हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवम फिटनेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैप्स की वर्कआउट। आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी होंगी, ये मसल थोड़ा छोटा है इसलिए इसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं जो वर्कआउट बताऊँगा इसमें आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बॉडी बनाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आपको मैं बताता हूँ, एक सुपर सेट है, उससे आप अगर किसी भी वर्कआउट को आपने ट्राई किया है, आपका कॉलर अच्छा नहीं आता है या फिर आपका ट्रैप्स ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप अपने वर्कआउट में ऐड करें। ये गारंटीड है कि आपके ट्रैप्स का साइज बड़ा करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वर्कआउट को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं उसका पोजीशन आप देख लीजिए, पहले वो करना है, उसके बाद सुपर सेट में जो स्ट्रक्स करते हैं वो करना है। रिपीटेशन कैसे करना है मैं करके दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है ट्रैप्स के लिए, आप एक बार ट्राई करें, आपको खुद फील हो जाएगा कि इस वर्कआउट से ट्रैप्स ग्रो होने वाला है। थोड़ा सा बस ग्रिप क्लोज रखेंगे, जितना डेडलिफ्ट में वाइड रखते हैं उतना रखेंगे, दोनों ग्रिप सामने की तरफ ही होगा, अल्टरनेट नहीं पकड़ेंगे। इसके बाद 8 रिपीटेशन या 10 रिपीटेशन आराम से करेंगे। इसके बाद नॉर्मल लेके खड़े होंगे और 10 रिपीटेशन स्ट्रक्स का लगाएंगे। तो स्ट्रक्स से पहले डेडलिफ्ट मैंने इसलिए करा क्योंकि डेडलिफ्ट हम बहुत ज़्यादा वेट से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, और जब हैवी डेडलिफ्ट होता है तो उसका ट्रैप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और जब आप डेडलिफ्ट ख़त्म करते हो उसके जस्ट बाद सुपर सेट में अगर करना हो बिना रेस्ट के स्ट्रक्स, तो वो आपको डबल इफेक्ट देता है आपके ट्रैप्स पर। आप खुद करके ट्राई करो, जितना इफेक्ट आपके नॉर्मल स्ट्रक्स में आता होगा उससे 2 गुना ज़्यादा इफेक्ट आएगा जब आप डेडलिफ्ट के बाद इसको करोगे बिना रेस्ट के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आप सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आगे मुझे किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए।